मेरे बच्चों, आज हम देख रहे हैं बीकॉम सेकेंड ईयर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन नंबर 12। इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर सकते हैं कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें दिया हुआ है, एक कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ने जो कि अपने खाते प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को बनाता है, एक ठेका संख्या 119 1 जुलाई 2012 को प्रारंभ किया। अंडरलाइन कर 31 मार्च 2013 को लागत लेखे उस ठेके से संबंधित निम्न सूचनाएं बताते हैं। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 महीने आपका कॉन्ट्रैक्ट चला है, क्योंकि 31 मार्च को सूचना दे देते हैं। मटेरियल चार्ज आउट टू साइट वो आपका है 2,51,000, लेबर ये है और फोरमैन ये है, तीनों ही खर्चे हैं 2 में आ जाएंगे, यानी खर्चों में आ जाएंगे। आगे देखें, संयंत्र जिसकी लागत 2,60,000 रुपए है ठेके पर 146 दिन रहा, इसका वर्तमान इसका कार्यकाल 7 वर्ष अनुमानित किया गया, इसका अवशेष मूल्य 15,000 रुपए है। एक अब ये जो सूचना दे रखी है ना, इससे अपने को डेप कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। 146 दिनों का डेप निकालना है, 7 साल उसकी लाइफ है। आप लोगों को पता होगा डेप निकालने का तरीका क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ, तो 1 साल का आ जाता है। 1 साल का आएगा, फिर हमें 146 दिन का निकालना है। तो 146 दिन का निकालने के लिए 1 साल का डेप इंटू 146 बटे 365 करेंगे, ये इसका तरीका है। आगे, एक पर्यवेक्षक जिसको कि 8,000 रुपये प्रति माह दिया जाता है, उसने लगभग आधे समय ठेके पर व्यतीत किया, तो 8,000 का क्या हो जाएगा, 4,000 मान लो, आप इसको आधा करना है, 1/2 लिखेंगे, आधा समय ठेके पर व्यतीत किया कॉन्ट्रैक्ट पर। अन्य सभी व्यय एवं प्रशासन व्यवस्था की राशि 1,36,000 रुपये खर्च हुई, कार्यस्थल पर सामग्री का शेष 31 मार्च 2013 को 35,400 था, ये बाय में आ जाएगा और ये खर्च हुआ तो 2 में आ जाएगा। ठेका मूल्य 20 लाख रुपए है, 31 मार्च 2013 को ठेके का 2/3 भाग पूर्ण हो गया था, तो कितना पूरा हुआ है, कंप्लीशन 50% से ज्यादा है। आर्किटेक्ट द्वारा जो प्रमाण पत्र निर्मित किए गए उसका मूल्य ठेका मूल्य का 50% के बराबर था, तो जो सर्टिफिकेशन हुआ वो 50% के लिए, जबकि पूर्ण हुआ है 2/3। 2/3 का मतलब होता है 66% बोलते हैं, 66.666। इस खाते के संबंध में 7,50,000 रुपये अब तक प्राप्त हो चुके हैं, कितने रुपए उसको दिए हैं, 7,50,000 रुपये दिए हैं। ठेका खाता बनाइए और यह बताइए कि कितने लाभ या हानि 31 मार्च 2013 को वित्त लेखों में सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह आपका जैन एंड व्यास यूनिवर्सिटी 2008 में पेपर में आया हुआ है ये क्वेश्चन। बच्चों, यहाँ तक जैसे मैंने आपको रीड कराया, तो आप इसे बैक लेके एक बार पूरा क्वेश्चन वापस रीड करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। मेरे बच्चों, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम बना लेंगे, इसमें जो खर्चे दे रखे हैं वो सारे लिखने हैं। तो सबसे पहले लिखो टू मटेरियल, मटेरियल आपके इसमें दे रखा है 2,51,000, उसके बाद में टू लेबर, लेबर कितना है 5,65,600, उसके बाद में टू फोरमैन, कितना बेटा 81,300, फिर उसके बाद में अदर एक्सपेंसेस कितने हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस नहीं है ना, अदर एक्सपेंसेस, ठीक है, टू एडीएम एक्सपेंसेस लिखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव को, कितना है 1,36,500।
डायरेक्ट दे रखे बच्चों, सारे क्वेश्चन है ना लाइन टू लाइन दिए हुए हैं, तो उसको अपने को सीधा सीधा लेना है। फिर है सुपरवाइजर, कितना है? तो सुपरवाइजर का एक्सपेंसेस प्रश्न में कहा था 4,000 रुपए, हमने निकाला था ना 8,000 का 50% इंटू 9 करना है, 36,000 ऐसे आएगा। उसके बाद में एडमिनिस्ट्रेटिव 36 आ गए सारे खर्चे। अब आपके एट साइट जो है वो बाय में लिख दो, बाय मटेरियल एट साइट, वो आपके कितना दे रखा है बच्चों? 35,000। और प्लांट एट साइट प्लांटेड साइट निकालने के लिए प्लांट कितना भेजा था लिखा है क्या प्रश्न में? प्रश्न में लिखा है 2,60,000 की कॉस्ट का भेजा था। तो अब आप इसमें चाहे तो प्लांटेड साइट लिख दो या आप सीधा डेप्रिसिएशन लिख दो। तो मुझे लगता है इस प्रश्न में हमारे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा हम प्लांटेड साइट नहीं लिखेंगे, हम इधर लिखेंगे टू डेप ऑन प्लांट, ये हम इस प्रश्न में कर सकते हैं। और डेप ऑन प्लांट निकालने के लिए कॉस्ट इसकी दे रखी है 2,60,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू 15,000 डिवाइड बाय लाइफ 7 साल, इससे करने से कितना आता है? 35,000 एनुअल डेप है ना, इंटू 146/365 14,000 पूरा पूरा आता है। ये आपके डेप्रिसिएशन सीधा इधर लिख दे। एक तरीका जो मुझे लगा इस प्रश्न के लिए अच्छा है वो है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि पहले तो हम हमेशा करते थे ना टू प्लांट इश्यूड और बाय में लिख देते प्लांट एट साइट, तो डिफरेंस डेप्रिसिएशन हो जाता है। इसमें आप सीधा डेप्रिसिएशन निकलो क्योंकि इसमें अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। हो गया बच्चों, अब आप लोगों को कॉस्ट कैलकुलेशन करना है। तो यहां तक की टोटल आप लगाएंगे, जिसमें से ये खर्चा लगा नहीं इसको घटा देंगे, ठीक है? तो वर्किंग नोट में आ जाओ, नीचे लिखो टोटल कॉस्ट। तो मैंने कहा आप लोगों को ये यहां तक का जोड़ लगाना है बच्चों, जोड़ना तो थोड़ा सा इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6 जोड़ना है, इसमें से ये घटा देना है। कितना आता है जल्दी से बताएंगे टोटल कॉस्ट? हाँ बच्चों, कितना टोटल आया था इधर का? 10,84,400, ये टोटल आया आपके डीआर साइड का। इसमें से सीआर साइड में आपके मटेरियल एट साइट बच गया था, वो लिखा है 35,400, तो 35,400 सीआर साइड घटा देंगे तो आपके टोटल कॉस्ट आ जाएगी इसकी कितने? 10,49,000 पूरा पूरा थे 10,49,000। ये बच्चों अपनी कॉस्ट है, समझ में आता है ये क्या है? कॉस्ट है। तो प्यारे बच्चों ये आपके टोटल कॉस्ट आ गई है, ठीक है? अब हमें इस कॉस्ट का सेलिंग प्राइस क्या होता है ना, वो निकालना है। तो लिखे नोट, इस कॉस्ट से इस की मार्केट प्राइस या जिसे आप कह सकते हैं सेलिंग प्राइस, या आप इसे कह सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, कैलकुलेट करेंगे, ज्ञात करेंगे।
अब आप ये इसको ऐसे समझो कि भाई 10,49,000 अगर हमारी कॉस्ट आई है तो सेलिंग प्राइस तो ज्यादा ही होगी इसकी, है ना, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट 20 लाख का है, तो वो कैसे निकलेगी? तो नीचे लिखो एज पर क्वेश्चन, दो बट्टा तीन काम पूरा हुआ जिसकी कॉस्ट 10,49,000 है। सही है ये बात मैंने कही है, क्योंकि अब तक खर्चा तो हमने इतना ही किया है, हमने काम कितना किया है, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ है और उसका हमने अब तक का जो खर्चा किया है वो 10,49,000 है कॉस्ट। सही लिखा है हमने, अतः सेलिंग प्राइस होगी बराबर। तो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? तो देखो बच्चों, 10,49,000 यदि 2/3 है तो फुल कितना था? 3/2 हो जाता है। उल्टा कर देते हैं, फुल अमाउंट कैलकुलेट करने का तरीका होता है आप रेशियो को उल्टा करें, कितना आता है? 15,73,000। इसमें सही है, 10,49,000 × 3/2 क्यों किया? अब हमारे पास जो देखो ये तो है कॉस्ट, और इसकी मार्केट प्राइस या सेलिंग प्राइस या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितनी हो गई? ये हो गई सेलिंग प्राइस। सही है ना। अब अगली बात सीखते हैं, एज पर क्वेश्चन, दो बट्टे तीन कॉन्ट्रैक्ट पूरा हुआ, यानी हम इसे कह सकते हैं 66.667% या 66.66 या 67%, 2/3 का मतलब यही होता है। और एज पर क्वेश्चन 1/2 सर्टिफिकेट हुआ है, सर्टिफिकेट सर्टिफिकेशन हुआ है, तो 1/2 का मतलब होता है 50%। सही है, हाँ बोलो। तो यहां लिखेंगे अनसर्टिफाइड, तो अनसर्टिफाइड हो गया 66.67% माइनस सर्टिफिकेट, भाई टोटल काम कितना हुआ? 66.67, सर्टिफिकेट कितने का मिला? 50% का, तो अनसर्टिफाइड कितना रह गया? 16.67%। सही है। अब नीचे फिर से लिखेंगे, अतः अनसर्टिफाइड इक्वल टू 15,73,500। ये टोटल सेलिंग प्राइस है ना अब तक का जो काम हुआ था उसकी, उसका 16.67% कैलकुलेट कर लो, कितना आता है? 2,62,250। राउंड में आएगा ये 16.67 से यदि 250 नहीं आता है तो 16.6666 कर लेना, 5 बार 6 करने से आपका आंसर 250 तक आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्क अनसर्टिफाइड। अब उसके आगे अभी बाकी है, अब आप लिखो वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड के ब्रैकेट में आप लिख दो गिवन, प्रश्न में दिया हुआ है वर्क सर्टिफाइड, क्या लिखा है वो लैंग्वेज एक बार आप प्रश्न में पढ़ो। प्रश्न में लिखा है एज पर क्वेश्चन में लिख रहा हूं, वो है वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ
कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। क्वेश्चन आप लोग जब पढ़ते हो यूट्यूब के माध्यम से, तो उसमें आप क्वेश्चन पीछे बैक लेके देख लिया करो, ये एक थोड़ा सा आदत में रखो। तो वर्क सर्टिफाइड इज 50% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखा है, तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था आपके वर्क सर्टिफाइड के लिए निकालेंगे, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस था 20 लाख, उसका 50% सर्टिफाई हुआ तो कितना हुआ, 10 लाख। इस प्रश्न का मेन पार्ट यही है, वर्क अनसर्टिफाइड 2,62,250 और वर्क सर्टिफाइड 10 लाख रुपए हो जाएगा। हो गया दोनों चीजें ओके। अब अपने प्रश्न में इनको लिखेंगे प्यारे बच्चों। अब हम इधर लिखेंगे बाय वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें आपको लिखना है वर्क सर्टिफाइड वो आपके है 10 लाख और वर्क अनसर्टिफाइड या अनसर्टिफाइड वर्क कह सकते हैं वो आपका है 2,62,250। दोनों की टोटल बाहर लिख देंगे 10,62,250। अब आप इधर टोटल लगाएंगे, इधर टोटल लगाएंगे, इधर की टोटल आती है, हाँ सॉरी बेटा यहाँ पे 12 लाख होगा, 12,62,250। टोटल इधर का कितना आया, 12,97,650। इधर भी आप लिख दो 12,97,650। अंतर जो है वो आपका आएगा टू नोशनल प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना आता है बेटा, 2,13,250। बच्चों ये आपके आंसर दिया हुआ है, ये एक आंसर आपका होगा। अब उसने पूछा प्रॉफिट कितना ट्रांसफर करेंगे, तो इधर आप ये प्रॉफिट है वो इधर ले आओ बाय नोशनल प्रॉफिट। वो आपका आ गया 2,13,250 और इधर आप लिखेंगे टू पी एंड एल। तो प्रॉफिट ट्रांसफर आपके कितना होगा, 2/3 कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, यानी 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। तो जब 50% से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो 2/3 हो जाता है, सही है ना। तो फिर जो पी एंड एल के लिए आप लिखे 2,13,250, इसका 2/3 हिस्सा ले जाना है इनटू कैश रिसीव्ड अपॉन वर्क सर्टिफाइड होता है, तो कैश रिसीव्ड है 7,50,000 डिवाइड बाय वर्क सर्टिफाइड है 10 लाख। तो इसको आप सॉल्व करें तो आता है 1,06,625, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और 2 WIP रिजर्व, ये आपके बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। कितना आता है, तो ये सेम आएगा बच्चों 1,06,625 और टोटल आएगा 2,13,250, इधर भी 2,13,250। 50-50 हो गया ये एक्चुअली। तो जो आपका पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपका इसमें आया, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं।